आज मैं इवनिंग स्नैक्स के लिए सेव बना रही हूँ। इसको बेसन से बनाया जाता है और इसको आप किसी भी समय शाम को चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी होता है ये। नमस्कार, भूमिज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं चलिए कैसे इसका बनाने का तरीका है। यहाँ पे मैंने एक कप बेसन लिया है, इसको हम एक छलनी में छान लेंगे अच्छे से। इसको ऐसे छानने से इसका जितना भी छोटा बड़ा दाना रहता है ये निकल जाता है। इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल, या फिर तेल के जगह आप मक्खन ले सकते हैं। इसमें हम नमक डालेंगे 1 छोटा चम्मच और अजवाइन 1 चम्मच छोटा चम्मच, और इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ी चम्मच डालना है, थोड़ा सा तीखा होना है। इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तेल के जगह बटर लेंगे तो इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी होता है ये वाला खाने के लिए। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी मिलाएंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना मिलाएं। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो बहुत गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हुए हार्ड डो आपको बनाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, तो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। अभी इसको हम थोड़ा सा अपने हथेली में तेल लगा के इसको इकट्ठा कर लेंगे और एक सिलेंडर शेप का मैं बना लूँगी। तो इस तरीके से आप इसको इकट्ठा करके एक सिलेंडर शेप बना लीजिए। तो अभी हमारा डो जो है रेडी है। अभी एक सांचा जो रहता है मशीन, उसमें हम तेल लगा देंगे इसके ऊपर, अंदर भी इसका तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे और इसको हम सेट कर देंगे। देखिए मैंने पूरी तरीके से तेल लगा लिया है और इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी हमारा जो डो तैयार था इसको मैंने सिलेंडर शेप में बना लिया है, इसको अच्छी तरह से दबाते हुए फिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अभी ऊपर से इसका ढक्कन जो है इसको भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए ऑलरेडी रख दिया था, इसमें हम गोल करते हुए इसको तलने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक पकने के बाद इसको पलटें। तो एक बार 5-6 मिनट होने के बाद थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, उसके बाद इसको पलट लीजिए। तो दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको तल लेना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद इसको निकाल लीजिए। तो ये एकदम तैयार है, ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना और बहुत ही क्रिस्पी होता है, आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।